मैं आपको बताना चाहता हूं ये ऑयल कैसे मिलता है, ये अभिषेक कैसे मिलता है, ये अनॉइंटिंग कैसे मिलती है। अगर आप सच में इस ऑयल को पाना चाहते हो तो मैं आज आपको एक रास्ता बताता हूं। अगर आप ये करेंगे, मैं आपको सच कहता हूं, आप आने वाले दिनों में न केवल आपके पास मशाल होगी, पर आपकी कुप्पियों में, आपके भीतर की जिंदगी में आपके पास ऑयल होगा। लिसन, जो भी आप कर रहे हो, बात कर रहे हो, सोच रहे हो, देख रहे हो, चल फिर रहे हो, आज एक शुरुआत करो। प्रभु से ये कहिए, प्रभु अगर मेरे बोलने में कुछ गलत है तो मुझे दिखा, अगर मुझे मेरे सोचने में कुछ गलत है तो मुझे दिखा। और जब भी परमेश्वर आपके कॉन्शियस में आपको हिला हिलाए, आपको शेक करे कि बेटा तुझे इस तरह ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उस समय प्रभु से माफी मांगिए और प्रभु से मदद मांगिए कि प्रभु मैं ये दोबारा नहीं करना चाहता, आप मुझ पर दया करें, आप मुझे बचाएं। इस तरह से परमेश्वर आपके अंदर उस ऑयल को डालेगा, वो ऑयल आपकी अंदर सर्विस करेगा, आपको मजबूत बनाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बाइबल पढ़ते रहते हैं, वो एक बैलेंस लाइफ नहीं जीते, वो ये नहीं जानते कि वचन जो आप पढ़ते हो, इस वचन को लेकर ही परमेश्वर को आपको पुकारना है कि प्रभु तेरे कलाम में लिखा गया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, अब मांगते हैं। तूने कहा है कि जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं तो तू स्वर्गीय पिता होकर तू हमें पवित्र आत्मा क्यों न देगा, देख मैं यहां पर हूं, मुझे भर अपनी आत्मा से। यशाया की तरह मैं भी कहता हूं, मैं यहां हूं, मुझे भेज। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब यीशु मसीह अंतिम समय में चेलों को दिखाई दिए, बाइबल बताती है यीशु ने उन्हें कहा, मेरी प्रतिज्ञा को पूरा होने तक यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ। उन लोगों ने उन दिनों में यरूशलेम में रहना एक बहुत ही डेंजर काम था, क्योंकि रोम सरकार सबको ढूंढ रही थी, सारे लोगों को पकड़ पकड़ के मारने की। लेकिन उन दिनों में वे 120 चेले, मैं आपको बताना चाहता हूं एक वचन, शायद आप इसको सुन के हैरान हो जाएंगे। ब्रदर प्लीज, 1 कुरिन्थियों चैप्टर 15, देखिए कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा था जब वो उठाए जा रहे थे मुर्दों में से जी उठने के बाद। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 6 वर्ड, देखिए यहां क्या लिखा है। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 15 वर्स 6, मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु को कितने लोगों ने देखा। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिसमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। 500 लोगों ने यीशु मसीह को जाते हुए और यीशु को साथ उन्होंने उसको देखा था, लेकिन प्रेयर के लिए कितने लोग थे जो उस कमरे में गए। 120, 380 लेफ्ट, 380 घर चले गए। किसी को बीवी की याद आ गई, किसको बच्चे की याद आ गई, लेकिन 120 लोगों ने कहा नहीं, हम कीमत चुकाएंगे। बाइबल बताती है वो 120 वहां पर गए। इतिहास बताता है, बाइबल बताती है, 10 दिन 10 रात उन्होंने एक ही प्रतिज्ञा को लेकर प्रार्थना की। प्रभु, यूहन्ना ने कहा था, आपने भी कहा है कि ये तो हमें पानी का बपतिस्मा दे रहे हैं, पर आप हमें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देंगे। और बाइबल बताती है 10वें दिन वे पवित्र आत्मा से भर गए, उन्होंने बाहर जाके प्रचार किया, लंगड़े चलने लग गए, पतरस की छाया से लोग ठीक हो रहे थे, पौलुस के देह से स्पर्श करके लोग ठीक हो रहे थे, जादू टोना खत्म हो गया, 50,000 की किताबें जला दी गई। उन दिनों में एक रिवाइवल आ गया। मेरे भाइयों और बहनों, ये क्यों आया? क्योंकि तेल आया, ऑयल आया। पुराने नियम के अंदर जब एक पापी याजक के पास जाता था तो याजक उसके बलिदान को काट के उसका ऑयल उसके सर पे, उसके कानों पे, उसके अंगूठे पे और उसके पैर के टोज पे लगा के उसके बाद उसके सर पे ऑयल लगाते थे। पहले ब्लड आता था, फिर ऑयल आता था। वैसे ही
यीशु ने जब क्रूस पे ब्लड बहाया, उसके बाद पेंटिकॉस के दिनों में ऑयल भी आया। यदि आप सिर्फ और सिर्फ बाइबल का ज्ञान रखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो सबका न्याय कर सकते हैं। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो मसीह के अंदर हैं, सिर्फ लोगों को जज करते रहते हैं, सिर्फ न्याय करेंगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसकी मिनिस्ट्री ऐसी है, उसकी मिनिस्ट्री ऐसी है, कुछ विरोध से करते हैं, कुछ गलत तरीके से करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। सिर्फ ज्ञान रखने से आप एक फरीसी बन सकते हो, आपके पास सिर्फ नॉलेज होगा, लेकिन अगर आपने इसी बाइबल को प्रार्थना में परमेश्वर को पुकारने के लिए इस्तेमाल किया, इन वचनों को, वही खुदा आपको पाकरू देगा, आपको वो ऑयल देगा, और वो ऑयल आपको यीशु की तरह बनाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, ये 10 कुंवारियां थी, इन 10 को पता था ऑयल जरूरी है, 5 ने इसे सीरियसली लिया, 5 ने इसे नहीं लिया। कितनी बड़ी बात है, डोंट वरी, आप इसे गलत वे से मत लीजिएगा, मैं कोई प्रॉफिट या कुछ भी नहीं हूं, ये वचन दिखाता है कि आदि कलीसिया रह गई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कलाम मुकद्दस हमें वार्निंग दे रहा है कि देखो आधे लोग रह गए। मैं नहीं कहता हूं कि मुझे श्योर है कि आने वाले दिनों में भी ऐसा होगा, नहीं, परमेश्वर ही सबकी जिंदगी जानता है, लेकिन एक प्रॉफिटिक हिंट है हमारे लिए कि आदि कलीसिया रह गई, आदि चली गई, जिन्होंने वर्ड सीरियसली लिया वे गए, लेकिन जो लोग ऐसे बैठे हुए थे उनका कुछ नहीं हुआ। इससे पहले कि मैं बंद करूं, मैं 5 चीजें दोहराना चाहता हूं। कुंवारियां कलीसिया है, आग परमेश्वर का एक स्वभाव है, ऑयल पवित्र आत्मा का प्रतीक है, मशाले जो हैं, सॉरी मैं फिर से दोहराता हूं, जो कुंवारियां हैं वो कलीसिया है, आग परमेश्वर का स्वभाव है, ऑयल पवित्र आत्मा का प्रतीक है, मशाल खुदा का कलाम है, दूल्हा यीशु मसीह है। और याद रखिए, ये जो कुंवारियां थी, जब इन्हें पता चला कि इनके पास ऑयल नहीं है, तो जानते हैं ये किसके पास भागी? ये उनके पास भागी जिनके पास था। आप जानते हैं ये मैसेज क्या बताता है? अंतिम समय में लोग अभिषेक को पाने के लिए लोगों पर निर्भर होंगे। मेरे साथ कितनी बार हुआ कि मैं कोई प्रचार करके जैसे स्टेज पे नीचे उतरा, बहुत सारे लोगों ने मुझे आके कहा, भाई अपना हाथ रख दो, भाई अपना हाथ रख दो। क्यों? मैं हाथ रखने के खिलाफ नहीं हूं, मैं हाथ रखता हूं लोगों पर जब मुझे प्रभु कहते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है किसी पर भी जल्दी हाथ मत रख। मैंने अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके ऊपर बहुत अच्छा अभिषेक है, लेकिन जब मैं उनसे पर्सनली मिलता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं कि इस आदमी का स्वभाव कैसा है। कई बार आप अपना अभिषेक एक गलत व्यक्ति को भी दे सकते हो, इसीलिए पॉल कहता है हाथ रखने में घाई मत कर, जल्दी मत कर। आप जानते हैं ये लोग, ये कुंवारियां जिनके पास ऑयल नहीं था, ये दूसरे के पास गई। बाइबल इस बात को एक प्रॉफिटिक हिंट देती है कि अंतिम समय में लोग अभिषेक खुदा से नहीं, लोगों से मांगने की कोशिश करेंगे। नो डाउट अभिषेक इंपार्ट होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोर्स क्या है। लोगों के पीछे भागना बंद कर दीजिए, मेरे पे हाथ रख दो, मेरे लिए प्रोफेसी कर दो, मुझे अपनी बुलाहट बताओ। अब थोड़ा मैच्योर बनिए। भजन संहिता में लिखा है हारून के सर पे तेल उंडेला गया और दाढ़ी से बह निकला। अभिषेक सर से आना चाहिए, सर यीशु मसीह है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सिर्फ लोगों के पीछे मत भागिए, मुझ पे हाथ रख दो, मुझ पे हाथ रख दो। बाइबल बताती है अंतिम समय में लोग इतने सुस्त हो जाएंगे कि वो सिर्फ अभिषेक को लोगों से चाहेंगे, खुदा से नहीं। ऐसे ना बने। मैं बिलीव करता हूं कि आज के कलाम के द्वारा आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा, आपने इसे थोड़ा डीपली समझा होगा कि एक्चुअली इसका अर्थ क्या है। और हम आने वाले समय में भी बहुत सारी चीजों पे अध्ययन करने वाले हैं, और मैं बिलीव करता हूं कि आज के कलाम से आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। आइए हम दुआ करें।
स्वर्गीय पिता, हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, आज आपने बहुत सारी गुण और कठिन बातें हम पे प्रकट की हैं। प्रभु, सिर्फ बाइबल पढ़ने से एक व्यक्ति आपकी तरह नहीं बनता, उसे उस तेल की भी जरूरत है जिसका जिक्र आपने किया है। होने दे प्रभु, हम सबों के पास ये तेल हो, हम सबों के ऊपर ये अभिषेक हो, हम सब तेरी उपस्थिति में चलें और तुझे खुश करने वाले लोग बने। मैं धन्यवाद देता हूं हर मेरे उस भाई और बहन का जिन्होंने मीटिंग अटेंड की। मैं धन्यवाद देता हूं यूके के जेरूसलम प्रेयर टावर के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो उनके चर्च के हैं, पास्टर्स के लिए और भाई नवीन के लिए भी। प्रभु, आज जितने भी लोगों ने प्रभु ऑयल को पाना सीखा कि कैसे तेरे वचन को बोलकर हम तुझसे ऑयल लेते हैं, वे इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करें प्रभु, क्योंकि प्रभु तूने सीधा 25 अध्याय में यही दिखाया कि आपका आना निकट है। हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने हमारी दुआओं को सुना। हम आपको सारी महिमा आदर देते हैं, दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन।